नमस्कार आदाब एंड सत श्री अकाल। तो आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने इस नए कमाल के वीडियो में। जैसा कि मेरे पीछे देख सकते हैं बोर्ड लगा हुआ है फ्री चाय का। तो भाई आज के ज़माने में फ्री चाय कौन दे रहा है? आजकल तो फ्री में जहर भी नहीं मिलता, जो भी मिलता है वो सब लोग ले लेते हैं ना। मज़ा आया और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। तो फ्री चाय दे रहे हैं भैया, अभी कहाँ दे रहे हैं? हमारे लखनऊ शहर के वृंदावन योजना सेक्टर 3 में डेंटल कॉलेज हमारा यहीं पर, जस्ट लोकेशन डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आके देख लेना। और जो टी स्टॉल के इनका नाम है दार्जिलिंग टी के नाम से, तो चलते हैं देखते हैं इनका कॉन्सेप्ट क्या है, फ्री चाय क्यों दे रहे हैं और इनकी चाय कैसी है, सब कुछ टेस्ट करके बताने वाला हूं। और बिना समय का आप लोग अगर नए आए हो मेरे चैनल पर, चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। चलते हैं देखते हैं इनका कॉन्सेप्ट क्या है और पी के आपको रिव्यू बताते हैं। सो गाइस, ये रही फ्री चाय का आउटलेट जो कि कहेंगे दार्जिलिंग टी के नाम से यहाँ पर है। तो चलते हैं आपको दिखाते हैं यहाँ पर क्या सारी चीज़ें। वैसे आपको यहाँ से अगर मैं दिखाना चाहूँ तो कहेंगे ये रहा कुछ छोटा सा आउटलेट इनका रहा, और कहेंगे उन्होंने वहाँ लिख रखा है फ्री चाय, है ना। यहाँ पर बैठने की सीटिंग अरेंजमेंट भी की गई कि आप लोग आके फ्रेंड लोग के साथ एंजॉय कर सकते हैं, बैठ सकते हैं। और बहुत ही अच्छा इन्होंने यहाँ पर कहेंगे अपना स्टॉल लगाया हुआ, देखते हैं किस तरह से किया हुआ और हाइजीन का बहुत ही अच्छी तरह की ध्यान रखा। हमारे सामने एक भैया हैं जो कि इस शॉप के ऑनर हैं। तो क्या नाम है सर, अपने बारे में ज़रा हमें बताएं, जो ये कॉन्सेप्ट आपका फ्री चाय का है। हमने इसको, हम जैसे रोड से जा रहे थे हमने देखा आपका ये आउटलेट और फ्री चाय के नाम से हम लोग यहाँ पर आए, सच बता रहे हैं आपको, इसका कॉन्सेप्ट जरा बताएं। प्रमोशन के लिए मैंने करा है, मेरा नाम तरुण चौहान है और कैफे मुझे डालना था बट वो कुछ सिनेरियोस की वजह से हो नहीं पाया है। तो हम लोग अभी पायलट रन पे ये टेस्ट कर रहे हैं कि टेस्ट वगैरह कैसा है चाय का। इसके अलावा भी फ्रेंचाइजीज हैं शहर में बट ये यहाँ पे सिर्फ टेस्ट वगैरह कस्टमर से फीडबैक ले रहे हैं। तो 10 रुपए की चाय है हमारी और वो फ्री मिलती है आपको फर्स्ट टाइम अगर आप ऑर्डर करते हैं, तो एक चाय फ्री है एक ऑर्डर पे। उसके अलावा जो चाय की पत्ती है हम लोग दार्जिलिंग से लेके आते हैं प्योरली, मैं खुद लेके आया हूँ दार्जिलिंग से, मैं आपको क्लिप दिखाऊंगा उसकी सबकी। और वो जो दार्जिलिंग ट्री है वो बेसिकली क्या है कि लंदन एक्सपोर्ट होती है या जापान या चाइना, फॉरेन ही जाती है दार्जिलिंग टी, इंडिया में बहुत कम लोग। तो इतना प्योर चाय की पत्ती आपको मुझे नहीं लगता कि कोई पिला रहा है कहीं पे भी, मैं प्योरली लेके आ रहा हूँ और इंडिया के सबसे महंगे बागानों से। उसके अलावा जो बाकी चाय का मेन्यू ही है उसके मैगी यूज़ कर रहे हैं, फ्रेंच फ्राइज़ है और लोडेड फ्रेंच फ्राइज़ हैं और बन मक्खन वगैरह जो भी और मेन्यू है उसमें जितनी भी वैरायटी है सारी प्योर है, जैसे अमूल का ही हम यूज़ कर रहे हैं, बन वगैरह हम ब्रांडेड यूज़ कर रहे हैं अभी। सो गाइस ये रही मेरी चाय, पहले मैं टेस्ट करके आपको बताता हूँ कैसी रही फ्री की चाय। यार एक बार माइंड में सुनती है फ्री की चाय, आप लोग रास्ते से गुजर रहे हैं दिखा आप आके पी सकते हो फ्री में बिना पैसे दिए, तो आपको पी के बताते हैं। जैसे भैया ने बताया फ्री की चाय नहीं, बहुत सारी चीज़ें मैं चाय पीता हूँ बताता हूँ टेस्ट कैसा है इसका। अच्छी है चाय यार, फ्री की चाय तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है टेस्ट में, अदरक का फ्लेवर आ रहा है, इलायची भैया डाले हैं बहुत ही, और दूध तो ऑब्वियसली बात भैया ने बताया कि अमूल का यूज़ करते हैं, बहुत ही बेहतरीन है। देख सकते हैं चाय कुछ इस तरह दिख रही है ना, जैसे नॉर्मल चाय होती वैसे ही है, लेकिन कहेंगे टेस्ट वाइज बहुत ही बेहतरीन है फ्री की चाय है। चाय फिनिश करते हैं फिर बात करते हैं आपसे। हाय, मेरा नाम हिमांशु है और मैं इससे पहले एडिशन में था। अच्छा। बेकरी एंड कॉट स्टेशनरी से ओके, वहाँ पे वर्क किया मैंने काफ़ी टाइम पे, मिनिमम 2 साल के समथिंग, और उसके बाद फिर बिजनेस आया माइंड पे और हमारे दोस्त हैं जैसे कि तरुण कुमार, उन्होंने पहले बताया ही था, तो फिर साथ में ये हुआ कि कैफे डालते हैं और बाकी सब तो उन्होंने पहले भी बता दिया कि क्या हुआ हमारे साथ में थोड़ा सा। देन उसके बाद हमारे माइंड पे ये आया कि स्टॉल से ही स्टार्ट करते हैं, देन उसके बाद धीरे धीरे स्टेप बाई स्टेप। अब मेरे पास यहाँ पर जो दूसरा आइटम आ चुका है, दूसरा क्या कहेंगे लोडेड फ्रेंच फ्राइज़ है और इनको दार्जिलिंग टी जो कि स्पेशल है, जो कि इन्होंने टी ट्राई करता हूँ फिर उसके बाद ट्राई करूँगा इसको। तो दर्शकों का इस पहला सिप लेता हूँ फिर आपको बताता हूँ रिव्यू कैसा है ना।
एक्चुअल में जो टेस्ट होता है ग्रीन टी का वैसा टेस्ट आ रहा है वैसी, और जो इसके अंदर जो खुशबू है, जो टी होती है बताया दार्जिलिंग टी की खुशबू भाई, वो अलग ही आ रही है भाई, अलग क्या आ रही है, बहुत ही बेहतरीन जैसे देख सकते हैं, है ना। इसका कलर देखा है तो गाइस मेरी ग्रीन टी फिनिश हो गई है, आपको ट्राई करते हैं जो लोडेड है, इतना आपको टेम्पटिंग लग रहा है ना, इसके अंदर मेयोनीज डाली गई है, केचप डाला गया है और ऑर्गेनो वगैरह सब कुछ डाला गया है, तो देखते हैं इसका टेस्ट कैसा होता है। एक बात आपको और बतानी है इसके बारे में, जो बता रहे थे जो आलू यूज़ कर रहे हैं ना, पहाड़ी आलू है, और भाई टेस्ट वाइज बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है, प्रॉपर कुक्ड है, क्योंकि तो मैं आपके सामने मैंने दिखाया किस तरह इन्होंने मेकिंग करी है, और कहा जाए मेयोनीज का और जो हमारा केचप है उसका टेस्ट बहुत ही गजब का आ रहा है फ्रेंच फ्राइज के साथ। ओके, मैं अपना ये फ्रेंच फ्राइज फिनिश करता हूँ, फिर आपसे मिलते हैं। सो गाइस ये था मेरा पूरा रिव्यू भैया की शॉप का, तो कहेंगे बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस है मेरे यहाँ का, और मैं तो बस जा ही रहा था तो मुझे बस एक क्लिक हुआ फ्री चाय, मैं आके यहाँ टेस्ट किया, चाय बहुत ही अच्छी थी, यहाँ का जो स्पेशल मैं पहली बार आई थिंक ट्राई किया जो कि दार्जिलिंग टी थी, पहली बार ट्राई की, बहुत ज़्यादा अच्छा था, और कहेंगे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर ट्राई की, और कहेंगे अच्छा खासा बैठने का स्पेस भी है, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग आके बैठ सकते हैं, फ्रेंड लोग के साथ एंजॉय कर सकते हैं, और आके फ्री वाली चाय भी पी सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। और भैया का एक नया नया स्टार्टअप है, आप लोग इनको सपोर्ट करें, जितनी भी लखनऊ के मैं यूट्यूबर हूं उनसे एक रिक्वेस्ट करूँगा आके भैया की शॉप का वीडियो बनाए और उनको लखनऊ तक सभी लोगों तक पहुँचाए उनका वीडियो, इनका जो स्टार्टअप है सक्सेसफुल करा, लखनऊ वासियों तक पूरा शेयर कर देना आप सभी को इस वीडियो तक, ठीक है। मिलता हूँ एक नई वीडियो में, एक नए टॉपिक के साथ, एक नए फूड कंटेंट के साथ, एक नई जगह के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, जय हिंद जय भारत।